और वैसे भी हमने काफ़ी इंटरनेट पे देखा था कि रात के समय उतना ट्रैवल करना ठीक नहीं है, कैंडी जाना, बसेस भी अवेलेबल रहेंगी नहीं रहेंगी, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जस्ट कैजुअली एलिफेंट क्रॉसिंग द रोड। Morning guys, so it's officially day one in Sri Lanka and we have just woken up and got ready also and breakfast. Yeah, and breakfast also by 7 and we are leaving for Kandy. So we are staying in a place which is just 3 kilometers from airport and it's the actually not a hotel. It's actually homestay. Yeah, it's a homestay. ये होमस्टे हमने लास्ट मोमेंट पे बुक किया। हमारा प्लान था डायरेक्ट एयरपोर्ट से कैंडी जाने का, लेकिन हमें शाम का फ़्लाइट मिला बिकॉज सुबह और शाम की फ़्लाइट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, 4-5 हज़ार का। इसलिए फिर हमने ये होमस्टे बुक किया जो कि नगम्बो में है, जस्ट 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। रात यहाँ पे स्पेंड करी, काफ़ी अच्छा होमस्टे था। और अभी आज हम निकल रहे हैं कैंडी के लिए। तो कैंडी में हम सबसे पहले देखेंगे आज एलिफेंट्स, देन वी विल आल्सो गो टू कैंडी व्यू पॉइंट, सम स्पाइस फैक्ट्री, कैंडी म्यूजियम, टेम्पल ऑफ द ट्रूथ रेलिक, एंड हाँ टेम्पल ऑफ द ट्रूथ रेलिक जो वहाँ का बहुत ही फेमस एंड बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। तो वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग डे प्लान, सो कीप वॉचिंग। तो हम कैंडी के लिए निकल चुके हैं। ये हमारी टैक्सी है, काफ़ी अच्छी टैक्सी दी है हमारे टूर वाले ने। इसके बारे में हम और आपको बताएंगे कि हमने कैसे बुक किया एंड ऑल दैट। बहुत ही अच्छा है, एसी अच्छा है, बहुत ही स्पेशियस गाड़ी है। और खैर, हम कैंडी के लिए निकले हैं और रास्ते में हमारा जो पहला स्टॉपेज होगा वो है पीना वाला ऑर्फनेज, जो कि एक एलिफेंट ऑर्फनेज है। वहाँ पे जो भी श्रीलंका के अब्यूज एलिफेंट्स हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है। तो इस तरह से ऑर्फनेज स्टार्ट हुआ और अब ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गया है। तो पहले हम एक्चुअली सफारी जाने वाले थे, पर वो सफारी काफ़ी दूर है वहाँ से, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम पीना वाला जाएंगे, जो कि एन रूट ही पड़ता है, हमको अलग से नहीं जाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टॉप आज का हमारा वही है। तो ये हमारा पहला दिन है श्रीलंका में और कुछ कुछ यहाँ के रोड्स देख के मुझे बाली की याद आ रही है। बाली के भी सेम ऐसे ही रोड्स थे, दोनों तरफ ग्रीनरी हैं, पेड़ भी वैसे ही हैं। इनफैक्ट जो गाड़ियाँ हैं यहाँ की, बाइक्स हैं, सेम वैसे ही फीलिंग आ रही है कि मैं बाली में हूँ। के ट्रेन के बारे में जो हम कल करने वाले हैं, क्योंकि वो वन ऑफ द वर्ल्ड का जो मोस्ट सीनिक वर्ल्ड बेस्ट ट्रेन राइड। तो दो ट्रेन्स हैं चलती हैं, जो एक्चुअली चाइनीज़ बिल्ड ट्रेन्स हैं, कुछ और भी ट्रेन्स हैं। तो दो जो हैं वो प्रेफरेबल रहती हैं, एक मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास चलती है और दूसरी 11 बजे के आसपास। तो हम 8 बजे वाली ट्रेन पे जाने वाले हैं, ताकि क्योंकि 6 घंटे का, 6 से 7 घंटे का वो जर्नी रहेगा। तो हम 3 बजे 4 बजे शाम को वहाँ पर पहुँचेंगे और थोड़ा एला घूमने का भी टाइम मिल जाएगा, और फिर उसके अगले दिन हमारा कहीं और जाने का प्लान है। तो इसलिए हम मॉर्निंग का 8 बजे वाला ट्रेन ही प्रेफर करेंगे। और क्लास के बारे में भी बताया कि उसमें ट्रेन में फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास के लिए रिजर्वेशन लगता है और बाकी के लिए आपको प्रायर रिजर्वेशन नहीं चाहिए। और इनफैक्ट इन्होंने बताया कि सेकंड क्लास और थर्ड क्लास भी अच्छा है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो चलिए कल देखते हैं, हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन का हमारा ट्रिप कैसा रहता है। नेगम्बो से कैंडी वैसे ट्रेन भी जाती है, नेगम्बो बस स्टेशन से आपको मिल जाएगी, या फिर अगर आप कोलंबो में हैं, कोलंबो फोर्ट स्टेशन से भी आपको कैंडी के लिए बस मिलेगी। बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम कॉन्स्टेंट है। हमारे पास एक ही दिन था कैंडी में और हमको पीनावाला भी जाना था, जो कि कैंडी से 40 किलोमीटर दूर है। तो इसीलिए हमने ये टैक्सी आज बुक की है, ताकि हम एन रूट में पीनावाला, जो कि एन रूट है, पहले वहाँ विजिट करें, फिर उसके बाद कैंडी का डे टूर करेंगे, एंड देन लास्ट में हम अपने कैंडी में अकोमोडेशन पे जाएंगे। तो ये आज का हमारा प्लान है, जिसमें पीनावाला के बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ हम जाने वाले हैं। तो आप वीडियो देखते रहिए। ये वो एरिया है जहाँ पे कैशू नट्स काफ़ी बिकते हैं। यहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेस में रहती हैं और कैशूज सेल करती हैं। अगर आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और लेडीज़ बैठी हैं जो कैशूज सेल कर रही हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस येलो कलर,
ओके येलो कलर इज ट्रेडिशनल ड्रेस. Oh, these are the small packets, like how much for 1 kilogram? 1 kilogram is 2,200. Okay. Almost I saved it. Next village is cane. Cane. You know cane item? No. लगता है यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ है बाइक्स का, तो टूरिस्ट बाइक ही लग रही है, तो हमेशा ध्यान से ही चलाएं, खासकर जब आप टूरिस्ट हैं और आप ऐसा रेंट का स्कूटर लेके जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, और थोड़े से बाहर के जहाँ भी आप कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ के थोड़े से रूल्स भी ध्यान में रखें. हमारे साथ वैसे भी ये हो चुका है इंसिडेंट, तो इसलिए हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहे हैं. खैर अपने साथ साथ तो आगे पीछे वालों का भी ध्यान रखना पड़ता है. गोवा में हमारे साथ ऑलरेडी हो चुका है ऐसा, तो हम कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हो तो आप थोड़ा सा आगे पीछे का भी अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रख के चलें जब भी आप बाहर रेंटेड कोई स्कूटर लेके या गाड़ी लेके चला रहे हैं. What is this place called? It's Vattarama. Vattar? Vattarama. Vattarama? Vattarama Temple. Vattarama Temple. Okay. स्टैचूज बने हुए हैं, तो इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल. काउंटलेस स्टैचूज बने हुए हैं यार. इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल. द लाइंस इतने सारे. सिमेट्री इज सो नाइस. ये वटारमा टेंपल है. अगर आप टेंपल नहीं भी जाना चाहते तो 2 मिनट का डेफिनेटली स्टॉप कीजिए. श्रीलंका के रोड्स में ऐसे एलिफेंट दिखना बहुत ही आम बात है. जैसे गाड़ी चलते हैं वैसे एलिफेंट चलते हैं. So we have reached Pinawala Elephant Orphanage. तो बेसिकली यहाँ टिकट का ये कॉन्सेप्ट है कि जो सार्क में जो कंट्रीज आते हैं उनके टिकट प्राइसेस अलग है और जो सार्क में नहीं आते उनके टिकट प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सार्क के एडल्ट हैं उनको 800 LKR देना पड़ेगा, सार्क चिल्ड्रन को 400, और जो बाकी कंट्रीज हैं उनको फॉरेन में काउंट होते हैं और उनका टिकट प्राइसेस ज़्यादा है जैसे कि मेंशन है. तो यहाँ पे आप गूगल कर सकते हैं साथ में कौन आते हैं, तो इंडियन होने का फ़ायदा है. तो टिकट हमें मिल गया है, ये है टिकट. तो आपको पासपोर्ट दिखानी पड़ेगी ये प्रूफ करने के लिए कि आप सार्क नेशन से हो, तो आपको डिस्काउंटेड टिकट मिलेगा. अभी हम जा रहे हैं एलिफेंट शावर के लिए, थोड़ा ही टाइम बचा है. अभी यहाँ पे टिकट चेक करवाएंगे. टेन टू ट्वेल्व नॉर्मली फीडिंग टाइम होता है, तो हमको लगा हमारा शावर टाइम मिस हो जाएगा, बट अभी हमको पता चला कि अभी थोड़ा टाइम है शावर के लिए, तो हम वहाँ जा रहे हैं एलिफेंट शावर देखने. आई एम सो एक्साइटेड. शावर वाली जगह पे बस हम पहुँच गए हैं. वाओ कितना सुंदर लग रहा है, देखो. वाओ और थोड़ा थोड़ा ग्लिम्सेस दिख रहा है. हाँ वो देखो, और इतने सारे एक साथ को. माय गॉड वो देखो कितने क्यूट लग रहे हैं, इतने सारे एलिफेंट्स हैं एक साथ शावर के नीचे. यही तुम इतने दिनों से. हाँ कब से मैं देखना चाहती थी ये, इसलिए तुम श्रीलंका आना चाहती थी ना. हाँ और क्या. Wow, just look at the view. इतने सारे एलिफेंट्स एक साथ, मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे.
अभी हम लोग ऑर्फनेज के अंदर आ गए हैं, जो एलिफेंट शार्क था वो हमने देख लिया, उसका टाइम भी ख़त्म हो गया इसलिए एलिफेंट्स वापस अंदर आ रहे थे। ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितना पसीना आ रहा है मेरे को, क्या करें। चलो खैर अंदर चलते हैं। और यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल जगह में लोग क्रॉस करते हैं, ठहरो, यहाँ पे नॉर्मल है एलिफेंट क्रॉस, एलिफेंट क्रॉस करते हैं और उसके लिए ट्रैफिक रुक जाता है। ये कुछ टाइम टेबल दिया गया है यहाँ का, एलिफेंट्स फ्री लैंड 8:30 to 10 AM, तो अलग अलग स्लॉट्स दिए गए हैं मिल्क फीडिंग के, फ्रूट फीडिंग के, और बैदिंग प्लेस क्या है इनका एक्स्ट्रा। तो इंस्टाग्राम पे हम काफ़ी अपडेट डालते रहते हैं, जैसे कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि टाइमिंग को लेकर तो वीडियो में छूट जाती है, तो अगर आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो और अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करिए। बहुत बड़ा खाली सा लैंड है ये, फ्री लैंड है, पेड़ हैं, पार्क हैं, जैसे नेशनल पार्क होता है वैसा लग रहा है, उसको बाउंड्रीज बना के ऑर्फनेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि हम कहाँ एलिफेंट देख सकते हैं, तो सबसे पहला जो ऑप्शन था वो पीनावाला था, पर पीनावाला में काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ मैंने सुने कि यहाँ पे एलिफेंट्स को अब्यूज़ किया जाता है या जो भी, और किसी ने कोई ऐसे भी कमेंट सुने जिनका उनको क्लैरिफिकेशन दिया जाता है, तो मुझे पता नहीं, हमारे पास ऑप्शन नहीं था और इसलिए मुझे पीनावाला आना पड़ा, बट इतना बुरा भी नहीं है वैसे, अगर आप मतलब मुझे नहीं पता, मैं इसको ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने देखा तो नहीं है ऐसा कुछ भी, हो सकता है किसी ने देखा हो, बट एक साथ काफ़ी सारे एलिफेंट्स को देखने का जो मौका है वो यहीं मिलेगा। वैसे यहाँ पे और भी एलिफेंट प्रोजेक्ट भी हैं, जहाँ पे आप जा सकते हो, पर उसके लिए एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, मैंने भी किया था तो मुझे बुकिंग मिली नहीं, तो फिर हमने पीनावाला आने का डिसाइड किया। वहाँ पे एक साथ मतलब ज़्यादा एलिफेंट नहीं होते ना, वहाँ एक या दो एलिफेंट, वहाँ पे एक या दो एलिफेंट आपको मिलेंगे। एक्चुअली वो फैमिली है जो एलिफेंट को ओन कर रहे हैं, मतलब एलिफेंट को ओनर है और वो उनका ख्याल रखते हैं, तो आप थोड़ा प्राइस जाके उनके साथ मतलब एलिफेंट को नहला सकते हो। तो ये है कि थोड़ा सा पर्सनल भी हो सकते हैं, उनके पास में जा सकते हैं, छू सकते हैं, शॉवर कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पे अगर करना तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्राइस देना। तो यहाँ क्या होगा कि हर चीज़ का आपको एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ेगा, अगर आपको फ़ोटोज़ लेना है पास जाके एलिफेंट को छू के, उनको अगर आप बात करवाना है, फीडिंग करवानी है, तो हर चीज़ के लिए अलग प्राइस लगेगा। दूर दूर तक नज़रें घुमाएं तो एलिफेंट्स ही एलिफेंट्स दिख रहे हैं, काफ़ी दूर में भी वो दो एलिफेंट्स हैं, बट मुझे, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे वो एलिफेंट प्रोजेक्ट जाना था पर वहाँ पे मुझे जगह नहीं मिली, स्लॉट बुक था, ओवर बुक था, तो इसलिए मुझे नहीं मिली, पर नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊँ तो मैं हमेशा एलिफेंट प्रोजेक्ट ही प्रेफर करूँगी। आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा एलिफेंट प्रोजेक्ट, कैंडी में है एक तो। ये टूल जो है ये अंकुश टूल नाम है इस टूल का, और ये इंडिया से आया है ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द fifth and sixth century BC। पर जो मतलब ऐसा लगता है कि उसको हार्म करने के लिए, बट जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है वो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, और लिखा है कि उनको पता है कि वो कैसे यूज़ करना है ताकि एलिफेंट्स को हार्म ना हो। So guys, with this we come to an end of our Pinnawala video. Now we will be going to Kandy and exploring its famous places like the Temple of Tootrelly, Kandy Viewpoint, and it's going to be amazing. So stay tuned.